हेलो जी नमस्कार। तो 2 दिन के ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं आईपीएल के मैचेस पर अपना रिएक्शन लेकर के। कल आपने देखे आईपीएल में 2 मुकाबले हुए। दिन वाला मुकाबला तो भाई साहब वन साइडेड था। एलएसजी की जो टीम है वो केकेआर से एक तरफा तरीके से हार गई है। एलएसजी का देखा जाए ना तो सिर्फ पूरन ही है जो कि रन बना रहा है। हाँ एलएसजी की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है बट कल केकेआर का फिल सॉल्ट और श्रेयस अय्यर दोनों ताबड़तोड़ अंदाज में खेल गए और एक तरफा मुकाबले में एलएसजी को जो है वो चारों खाने पटकनी दे दी है। तो केकेआर जो है कल अपना होम मैच जीत गई है लेकिन शाम को अपना होम मैच खेल रही मुंबई इंडियंस की तो दुनिया हिला दी सीएसके ने। और देखा जाए ना तो कल के मैच में लिटरली इन रियल सेंस सीएसके ने एमआई की पतलून उतार दी। आपने देखा ही होगा फील्डिंग करते समय रोहित शर्मा की पतलून जो है वो उतर गई थी और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का थोड़ा बहुत उन्हें एहसास तो हुआ होगा। वैसे कल का जो मुकाबला था ना मुंबई और सीएसके का इसे एल क्लासिको बोला जाता है और कल सही शब्दों में ये मुकाबला एल क्लासिको था जहाँ पर धोनी आते हैं 4 गेंदों में 20 रन मार जाते हैं, रोहित शर्मा सेंचुरी मार जाते हैं और धोनी की तरह उन्हीं की नाम राशि यानी एम से मतीशा पतिराना भाई साहब वो 4 विकेट ले जाता है। और ये वानखेड़े का मैदान जिसके ऊपर की आई थिंक 11 अप्रैल को आपसे मतलब दो तीन दिन पहले ही एमआई वर्सेस आरसीबी का मुकाबला हुआ था इसी ग्राउंड पर आरसीबी ने 196 बनाए थे और फिर आपने देखा था कि 196 का जो टारगेट था उसे मात्र 15.5 ओवर्स में एमआई चेस कर लेती है लेकिन कल यही एमआई जो है वो 206 का टारगेट जो था उसे चेस नहीं कर पाती है। आरसीबी ने बनाए थे इसी ग्राउंड पर 196 और सीएसके ने बनाए 206 लेकिन अब देखें कि एमआई की टीम जिसने आरसीबी के अगेंस्ट चेस कर लिया था लेकिन सीएसके के सामने वही एमआई जो है वो चारों खाने चित हो गई है। सूर्य कुमार यादव जो कि पहले अंडा देकर आया था फिर आरसीबी के अगेंस्ट 50 मारी थी कल फिर से अंडा दे गया और भाई क्या बॉल की है मतीशा पतिराना ने। तो ये जो मुकाबला था ना कल मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके के बीच में इसमें जीत और हार के बीच में सीएसके के 2 एम मुंबई इंडियंस वाली एम के ऊपर भारी पड़ गए हैं एमएस धोनी एंड मतीशा पतिराना। और ये जो 20 रनों से हारी है एमआई ये 20 रन भाई साहब आप तो अगर आपने मैच देखा तो आप समझ गए होंगे मात्र 4 गेंदों में 20 रन मारते हैं थाला धोनी 3 छक्के बैक टू बैक फिर एक बॉल पर 2 रन लेकर के और यही 20 रन जो हैं वो हार और जीत के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस साबित हुए हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए ये 20 रन नहीं बनते तो सीएसके हार जाती। वैसे धोनी ने मात्र 4 गेंदों में 20 रन बनाए हैं बट चोकल साम्राज्य के किंग होते तो 20 रन बनाने के लिए कम से कम 10 गेंद तो खेलते लेकिन इतना सब देखकर भी आरसीबी के फैंस में इतनी बेशर्मी है कि वो अभी भी अपने चोकल साम्राज्य के किंग को डिफेंड करते फिरते हैं। बताइए 196 डिफेंड नहीं कर पाई थी इसी ग्राउंड पर आरसीबी चोकल साम्राज्य की है ना लेकिन सीएसके 206 आराम से डिफेंड भी करती है और जबरदस्त तरीके से ये मुकाबला जीत भी जाती है एल क्लासिको फॉर अ रीजन। हालांकि कल के मैच में मुंबई इंडियंस हार गई है लेकिन रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है। रोहित शर्मा की ये सेंचुरी बिल्कुल वैसी सेंचुरी है जैसे कि किंग चोकल ने आरआर के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी टीम के काम नहीं आई थी और काफी हद तक ये कहना भी सही होगा कि रोहित शर्मा काफी स्लो खेला था। अब उसके डिफेंस में एमआई के फैंस बोल सकते हैं कि भाई साहब विकेट गिर रहे थे दूसरे एंड से भाई अकेले आदमी कब तक करे। सही बात है अकेला आदमी कब तक करे बट थोड़ा सा अगर वो फास्ट खेल लेता और जिस तरह से टिम डेविड जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था पंड्या आउट हुआ था आई थिंक 4 ओवर में 70-72 रन चाहिए थे टिम डेविड ने आकर के हिटिंग करने की शुरुआत कर दी थी लेकिन फिर वो जल्दी आउट हो गया। और रोमारियो शेफर्ड जिसने कि आई थिंक इसी ग्राउंड पर डीसी के अगेंस्ट 10 गेंदों में 39 मार दिए थे कल तो उसके लिए स्टेज सेट था लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाया। क्या बोल्ड मारा है उसको पतिराना ने। तो मुंबई इंडियंस नाम के एम के ऊपर सीएसके के 2 महारथी एम भारी पड़ गए हैं लेकिन फैंस के लिए ये मुकाबला एक एल क्लासिको ब्लॉकबस्टर मतलब पैसा वसूल मुकाबला था क्योंकि मुंबई के जो फैंस है वो रोहित शर्मा की सेंचुरी देखना चाहते थे रोहित ने फैंस को खुश कर दिया। सीएसके के जो फैंस है वो धोनी की बैटिंग देखना चाहते थे धोनी ने भाई लबरेज तरीके से पैसा वसूल इनिंग खेली और मतीशा पतिराना जिन चीजों के लिए जाना जाता है कल उसने वही चीज करके दिखाई अपने श्रीलंकन गुरु लसित मलिंगा की टीम के अगेंस्ट। तो कल सीएसके जीत गई है अवे मैच जीती है। अच्छा आज रात को है इसका एसआरएच का अवे मैच आरसीबी से आरसीबी के होम ग्राउंड में। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इधर से ट्रेविस हेड है उधर कलासन है लोअर ऑर्डर में हिटिंग करने के लिए सामने किंग है डुप्लेसी है विल जैक आ चुका है रजत पाटीदार का भी कहीं ना कहीं फॉर्म आ ही चुका है लेकिन आरसीबी के जो बॉलर्स हैं भाई साहब वो वानखेड़े में 196 डिफेंड नहीं कर पाए थे। अब आज एसआरएच के वो पावर हिटर्स को कैसे रोक पाएंगे भी या नहीं रोक पाएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप बताइएगा कमेंट करके क्या आरसीबी के बॉलर्स एसआरएच के पावर हिटर्स को रोक पाएंगे और क्या आपको लग रहा है कि अगर रोहित शर्मा कल थोड़ा सा फास्ट खेलता
थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो फास्ट खेलता तो क्या पता शायद वो जिता भी देता। क्या है आपके ओपिनियंस कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरह से एक टैगलाइन होती थाला फॉर अ रीज़न, तो कल थाला फॉर अ रीज़न क्यों होता है? कल महेंद्र सिंह धोनी उर्फ थाला ने ये चीज़ दुनिया के सामने दिखा दी और ये जो हार और जीत का जो मार्जिन था वो थाला के 20 रन ही थे। तो वंस अगेन थाला फॉर अ रीज़न। ओवरऑल कल का ये जो MI वर्सेस CSK का मुकाबला था ये एपिक ब्लॉकबस्टर था और इन दोनों ही टीमों को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। दोनों के पास 5-5 ट्रॉफीज़ हैं, दोनों ही टीमें IPL की बेस्ट टीमें हैं और कल आपको इसका दीदार एक बार फिर से देखने को मिल ही गया, जहाँ पर इनिशियली MI थोड़ी सी भारी पड़ रही थी, फिर बाद में ऋतुराज गायकवाड़ आया और भाई धागा खोल दिया, फिर शिवम दुबे आया उसने और ज़्यादा धागा खोल दिया, फिर एंड में थाला धोनी आते हैं भाई वो तो धागे पर धागा खोल जाते हैं। हालांकि MI ने भी करारा जवाब दिया था लेकिन ईशान किशनवा जो है वो पहला विक्टिम बन गया पति राणा के आते ही, फिर सूर्य कुमार यादव और उसके बाद तो फिर यार रोमारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर तो क्या भाई 10 में किसी एक मैच में ताबड़तोड़ चलते हैं और आपने देख लिया दिल्ली का गेंद बहुत मारा था लेकिन कल जब ज़रूरत थी तब कुछ नहीं कर पाया। कुंग फू पांड्या कुछ नहीं कर पाया, टिम डेविड कुछ नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि मुंबई इंडियंस जो क्लेम करते हैं दुनिया हिला देंगे, हम दुनिया हिला देंगे, लेकिन धोनी के धुरंधरों के आगे मुंबई इंडियंस के जो मतवाले हैं उनकी दुनिया हिल गई और भर भर के फिर बाद में पांड्या ने बोला भी कि विकेट के पीछे जो है ना धोनी नाम का पदार्थ वही सारा गेम कंट्रोल करता है, क्या अच्छा जा रहा है क्या गलत जा रहा है। तो वहीं पर MI जो है हार गई। कल ट्रू सेंस में MI जो है वो धोनी से हार गई है। धोनी के 20 रन MI पर पूरी तरह भारी पड़ गए हैं। क्या कहना आपका कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।